मध्य प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कौन साजिश चल रही, और जब साजिश भी भारतीय जनता पार्टी के भीतर से, जो आरोप कौन कांग्रेस ही ने नहीं लगाओ, बल्कि जो आरोप लगाओ है भारतीय जनता पार्टी के मालवा क्षेत्र के बहुत बड़े नेता ने। ये नेता हैं भंवर सिंह शेखावत, जो मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक रहे हैं और मालवा क्षेत्र के जाने माने नेता माने जाते। भंवर सिंह शेखावत ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मालवा क्षेत्र के बड़े नेता कैलाश विजयवर्गीय पर लगाए हैं सनसनीखेज आरोप। भंवर सिंह शेखावत ने कही है कि कैलाश विजयवर्गीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक प्रत्याशी को चुनाव में हरवा बचाऊ थे, और इनके पीछे उनने वजह भी बताई है। भंवर सिंह शेखावत के मुताबिक, चूंकि मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया कैलाश विजयवर्गीय को पटखनी दे चुके हैं, और यही वजह से कैलाश विजयवर्गीय ओई हार को बदला लेने के लाने ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक प्रत्याशियों को मध्य प्रदेश के होवे वाले उपचुनाव में हरवावे की तैयारी में हैं। सुनो आप का कह रहे भंवर सिंह शेखावत। तो उन 5 सीटों का प्रभार ने लिया है जहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंडिडेट हैं, बदनावर में है, यहाँ है, हाटपिपलिया में है। इनको बदला लेना है ज्योतिरादित्य सिंधिया से श्री कैलाश विजयवर्गीय, क्योंकि वो एपीसी के चुनाव में 3 बार उनसे हार गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैंडिडेटों को हरा करके ये और ज्योतिरादित्य सिंधिया से बदला लेना चाहते हैं, और पार्टी का नुकसान हो इसकी चिंता तो कैलाश विजयवर्गीय ने कभी की नहीं। ये संदेश जो है मैं पार्टी को बता चुका हूँ, पार्टी के हाई फोरम पे बता चुका हूँ, संगठन में बता चुका हूँ, और अगर उसकी चिंता समय पे नहीं की गई तो बड़े नुकसान की तरफ कैलाश विजयवर्गीय पार्टी को ले जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जब से सियासी उलटफेर भाव है, तब से भारतीय जनता पार्टी के भीतरे अलग अलग तरह की आवाजें उठन लगी हैं। फिलहाल पार्टी अनुशासन के नाम पे इन सबको चुप करा दे, लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव भी हैं, तो ई चुनाव तक निश्चित तौर पे ई राजनीति में केव और रंग देखने को मिले।